दोस्तों इस तरीके से बैंगन का भरता बनाएंगे तो सभी तारीफ़ करके खाएंगे। इसको बनाना बहुत आसानी, ये झटपट में बन जाता है दोस्तों, और ये चटपटा टेस्टी भी होता है, जो खाता है आपका तारीफ़ करता है। इसके लिए मैं 4 टुकड़ा आलू, यानी 2 बड़ा आलू है, 2 टमाटर है, 3 बैंगन है, सबको अच्छे से धुल के बैंगन में बीच से चीरा लगा लेंगे दोस्तों। इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, देख लेंगे ताकि इसमें कीड़े हैं कि नहीं है। कीड़ा वाला होगा तो उसको हम साइड कर देंगे। इस पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं डेली नया नया कंटेंट डालती हूँ, प्लीज़ आप लोग देखें और आप लोग सपोर्ट करें, देख करके कमेंट ज़रूर करें कि कैसा बना है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि लोग भी अपने घर में झटपट में बना सके ये, क्योंकि बहुत जल्दी का रेसिपी है, इसको झटपट में बन जाता है। इसको जेंट्स लेडीज कोई भी बना सकता है, एक बच्चा भी इसको बना सकता है दोस्तों, बस जानने की ज़रूरत है। आइए सिंपल तरीके से, आइए बन जाता है तो सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब्ज़ी जैसी चटपटी और टेस्टी बनती है दोस्तों, इसीलिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और एक तो कम समय में बन के तैयार हो जाता है, इसको ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसीलिए ये रेसिपी टेस्टी भी उतना ही होता है। तो ऐसे ही इसको हम छील लेंगे एक एक, सब आसानी से इसका छिलका दोस्तों निकल जाता है उबालने के बाद। उबालने में ध्यान रखें ज़्यादा पानी ना डालें, कम पानी डाल के ही उबालें, ताकि बैंगन में पानी ना घुसे, एकदम सूखा सूखा रहे। तो आप देख सकते हैं कि मैं पानी फेंकी नहीं हूँ, बस ऐसे ही उबाल ली हूँ, पानी बचा नहीं था। ये टमाटर का छिलका भी हटा लेंगे, आलू का छिलका भी हटा लेंगे, इसको मैशर से मैश करके इसको जब फ्राई करेंगे तो ये बहुत टेस्टी वाली आलू टमाटर बैंगन की भरता बनके तैयार हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही आलू का छिलका भी हम निकाल लेंगे, सब आसानी से निकल जाता है, तब जाके इसको हम आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगी दोस्तों। तो ऐसे ही देखिए आलू का भी छिलका निकल जाएगा। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग सब अपने घर में बना सके, कम समय में बढ़िया सा चटपटा सा डिश, चटपटा सा भरता। तो ये देखिए मैश हो गया। अब चलिए हाई फ्लेम पे कढ़ाई है, कढ़ाई को सिर्फ बड़ा 1 चम्मच सरसों तेल डालूंगी दोस्तों, ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, और इतना में ही बन के तैयार हो जाता है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई, राई से बहुत अच्छा इस भरते का फ्लेवर होता है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा इसमें आधा चम्मच जीरा और अजवाइन 1/4 चम्मच, और उसके बाद डालेंगे इसमें 2 से 3 कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा स्वाद के अनुसार डालेंगे हम इसमें हींग, हींग आप नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, 10 से 15 कली लहसुन का, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, कट करके हम इसको डालेंगे। 1 प्याज है मीडियम साइज़ का, इसको भी हम कट करके डालेंगे। जब हल्का सा ब्राउन हो जाएगा दोस्तों, तब जाके इसमें थोड़ा सा मसाला पड़ेगा, ज़्यादा चटपटा बन जाता है, इतना में ही ज़्यादा मसाला की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और बनता भी बहुत टेस्टी है। तो ऐसे ही देखिए ये कलर चेंज होने लगा है। इस स्टेज पर 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच दोस्तों इसमें हम डालेंगे अमचूर पाउडर, ऐसे ही करके स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छे से चलाएंगे 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम जो भरता मैश किए हैं आलू बैंगन टमाटर, उसको हम डाल देंगे। डालने के बाद तब जाके हम इसमें इसको भूनेंगे, या भून के और इसको अलग से और फिर तैयार हो जाएगा भरता। ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला, इस स्टेज पे डालेंगे दोस्तों। अब अच्छे से पक गया, पक जाएगा 1 से 2 मिनट में, तब इसमें हम डाल दिए भरता। भरता डाल के एकदम सीम आंच कर दें, एकदम लो फ्लेम, तो 4 से 5 मिनट अच्छे से पकाएंगे तो एकदम मसाला समा जाएगा भरता में, और सुपर टेस्टी वाला बन के तैयार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, तो ऐसे ही चलाएँगे और कहीं से भी एकदम सीम गैस का फ्लेम एकदम सेम रहना चाहिए, ताकि अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये देखिए तो कितना बढ़िया खुशबू भी बहुत टेस्टी आ रही है दोस्तों। तो ऐसे ही करके धनिया पत्ता से हम इसको डेकोरेट कर देंगे, उससे क्या होता है कि फ्लेवर भी अच्छा होता है और देखने में भी बढ़िया लगता है दोस्तों। तो इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे तो सुपर टेस्टी आलू बैंगन टमाटर का भरता हम बना लेंगे घर पर आसानी से, जो सबको पसंद आता है। धन्यवाद।